Hello mommies and daddies, welcome to Mom and Dad. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे दूँ. मेरा नाम शालिनी है, मेरा एक 15 मंथ का बेबी है. तो आज का जो टॉपिक है वो है वेट गेन. तो वेट गेन मदर्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो मैं जानती हूँ एज ए मदर. तो इसीलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए जो मैंने स्ट्रगल किया अपने बेबी का वेट गेन करने की, क्योंकि मेरा बेबी अंडर वेट हुआ था टू अराउंड 1.9 और अब उसका वेट 10 केजी है, जो कि अच्छा वेट गेन किया है उसने. तो जो मैंने फूड ट्राई किए वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो ये 5 फूड हैं जो मैंने रखे हैं. ये सुपर फूड है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा था मेरी बीबी को. सो पहला फूड है मेरा जो आप बीबीज को दे सकते हैं वो है टोफू. टोफू मतलब वेट गेन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी होता है. आप सबको पता है कि टोफू कैसे बनता है. टोफू सोया मिल्क से बनता है, और सोया मिल्क जो है सोयाबीन से बनता है, जो कि प्रोटीन रिच फूड होता है. तो टोफू बहुत अच्छा होता है बेबी के वेट गेन के लिए. टोफू आप बेबीज को कैसे भी दे सकते हैं, आप उनको फिंगर फूड की तरह दे सकते हैं. टोफू का पराठा बना सकते हैं, टोफू का चिल्ला बना सकते हैं, मतलब जैसे आपका बेबी पसंद करे. मेरा दूसरा जो फूड है वो है एवोकाडो. एवोकाडो बहुत अच्छा होता है वेट गेन के लिए, और एवोकाडो की भी बहुत सारी रेसिपीज आप बेबीज को दे सकते हैं. स्मूदीज में, पराठे में, ऐसे ही एवोकाडो दे दीजिए अगर बच्चों को पसंद हो तो एवोकाडो. तीसरा फूड जो है वो है ड्राइड डेट्स. ड्राई डेट्स का आप सिरप बना सकते हैं. ड्राई डेट्स वैसे भी बेबीज को देना चाहिए, क्योंकि वेट गेन के लिए तो अच्छा होता ही है, प्लस इसमें आयरन बहुत होता है. क्योंकि इस टाइम पे बेबीज ब्रेस्ट मिल्क ले रहे होते हैं, फॉर्मूला मिल्क ले रहे होते हैं, कुछ बेबीज काउ मिल्क शुरू कर देते हैं. अराउंड 1 ईयर में हम कर ही देते हैं काउ मिल्क शुरू, तो उसमें आयरन बहुत कम होता है. तो अगर आप ड्राई डेट्स देंगे, मतलब अपने बेबीज को अपनी रेसिपीज में, लाइक पोरेज में या फिर दूध के साथ, तो फिर बेबीज का वेट गेन भी होगा और उन्हें आयरन डिफिशेंसी भी नहीं होगी. चौथा फूड है पम्पकिन. थोड़ा सा वियर्ड है, बट हाँ, पम्पकिन वेट गेन के लिए बहुत अच्छा होता है. ऐसे तो बेबीज पम्पकिन खाएंगे नहीं, पम्पकिन एज कद्दू. तो आप पम्पकिन को बेबीज को दे सकते हैं. अगर आपका बेबी पराठा खाता है तो उसको दे दीजिए पराठे के साथ सब्जी बना के, या फिर पम्पकिन का आप खिचड़ी में डाल दीजिए, या पम्पकिन आप का हलवा भी बना सकते हैं, वो भी बेबीज को बहुत पसंद आता है. फिफ्थ फूड है मेरा स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो भी बेबीज के लिए बहुत अच्छा होता है. आप स्वीट पोटैटो तो हम सबको पता है कि वेट गेन के लिए अच्छा है, लेकिन स्वीट पोटैटो भी बहुत वेट गेन के लिए बहुत अच्छा होता है. सेम एज है, आप स्वीट पोटैटो को भी खिचड़ी में सब्जी की तरह बेबीज को दे सकते हैं. तो ये 5 फूड है जो आपके बेबीज को जरूर हेल्प करेंगे वेट गेन में, क्योंकि मेरे बेबी को तो करा था, तो आपके बेबी को करेंगे ही. और अगर नहीं भी करते हैं तो एक हेल्दी मैनर में वेट उसका बढ़ेगा, और ये कुछ हेल्थ बेनिफिट ही देंगे ये फूड. सो ये मेरे 5 फूड थे. इसके अकॉर्डिंग इसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं कि वेट इज जस्ट अ नंबर, सो प्लीज डोंट बी पैनिक अबाउट द वेट. आप बेबीज को अच्छा खिलाइए. 2-3 टिप्स हैं, लाइक आप बेबीज को फ्रीक्वेंट मील दीजिए रेदर कि आप एक मील में सब दे दो. दूसरा है, इतनी भी फ्रीक्वेंट मत दीजिए कि आप हर आधे घंटे में बेबी के पास कुछ लेके जा रहे हैं, ऐसा मत करिए. हर दो घंटे में आप उसको बैलेंस डाइट दीजिए, जिसमें उसका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, आयरन सब कुछ हो. और एट द लास्ट ये है कि अगर बेबी वेट गेन नहीं भी करता है या एवरेज वेट का है, लेकिन एक्टिव है, सारे माइलस्टोन को बहुत अच्छे से कवर कर रहा है, तो आप इतने पैनिक मत होइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. मिलती हूँ अपनी दूसरे वीडियो के साथ. बाय बाय.